तो भैया अब व्लॉग की शुरुआत हो रही है, हम लोग रेडी हो गए हैं और हमें निकलना था 7:15 पर एयरपोर्ट के लिए, लेकिन हम निकल रहे हैं 7:28 पर, क्योंकि सुबह आज पहली बार हिस्ट्री में पहली बार सुबह 6 बजे उठ के मैंने इंटर की ऑडिट की क्लास लिया। हालत ख़राब हो गई है, अब दौड़ रहे हैं नीचे, एकदम कैब वेट कर रही है और चल रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। अमृतसर इज कॉलिंग, बच्चों के लिए प्रे करना है, बच्चों को इस बार पास कराना है। सी यू देयर। सो दोस्तों, यू हु आर वंडरिंग कि सर आप फिर से अनअकैडमी के कपड़ों में क्यों हैं, यही कपड़ा मेरे को सबसे अच्छा लगता है ट्रैवल करने के लिए। भैया बैंगलोर के पूरे वेदर के बारे में एक चीज़ और खास है कि बैंगलोर का पूरा वेदर अच्छा बहुत है लेकिन अनप्रिडिक्टेबल है। अभी हम घर से निकले, जबरदस्ती का पानी बरसने लगा, अभी जब एयरपोर्ट तक पहुंचेंगे फिर पानी रुक जाएगा। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी, ठीक है। और जो लोग सोच रहे थे कि मैं हर बार अनअकैडमी के कपड़ों में क्यों ट्रैवल करता हूँ, देखो भाई एक चीज़ है, हम जैसे इंडियन क्रिकेट टीम है, जब इंडियन क्रिकेट टीम ट्रैवल करती है तो वो अपने इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी में ही ट्रैवल करती है, या जर्सी में या समथिंग रिलेटेड टू द टीम। तो हमारी भी अकेडमी टीम है तो भैया हम भी वो इसी जर्सी में ट्रैवल करते हैं। अब एयरपोर्ट पहुँचते हैं, देखते हैं एयरपोर्ट पहुँचने में कितनी देर लगती है। भैया ने तो बोला 20 मिनट में पहुँचा देंगे, 20 मिनट पहुँचा दे तो बढ़िया है, 8:15 हमारी बोर्डिंग है। प्लेन में अगर लेट हुए तो आज तो तुम्हारी भाभी भी नहीं है कि वो क्रू वाले से एंट्री करा दे, तो आज तो नॉर्मली एंट्री करना पड़ेगा। साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे। चलो फिर आप लोगों को मिलता है एयरपोर्ट पे, बाय बाय। एयरपोर्ट तो हम पहुंच गए हैं बट आई थिंक आई एम सुपर लेट। यार ये फ्लाइट प्रीपोन कौन करता है यार सुबह की, बेवकूफ़ आदमी लोग। 9:30 की फ्लाइट 9:10 पे कर दिया, पहला पड़ाव तो पास कर लिया, एंट्री तो हो गई। और ये क्या बेवकूफ़ी है भाई, डीजी यात्रा में अगर मैंने कर दिया है और मैं नॉर्मल से एंट्री ले रहा हूँ तो अब डीजी यात्रा से ही होगा। अरे मोदी जी ये सब चीज़ें चेंज करो, एक तो एप्लीकेशन का नाम हम आरोग्या सेतु और डीजी यात्रा में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, से ना हो पाएगा। मेरे को पूछ रहे थे कि सर जब आप एयरपोर्ट में जाते हो तो आपको बैग खाली करने में ज़्यादा टाइम कौन सा लगता है, इसको किसको, देख लो भाई कितना सामान हमको जुगाड़ करना पड़ता है। भैया हम एयरपोर्ट आए और स्टारबक्स ना जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। मेरा एयरपोर्ट आने का सबसे बड़ा फैक्ट, मतलब सबसे बड़ी खुशी की बात ये होती है कि हमको भैया स्टारबक्स जाके कॉफ़ी पीने मिलेगा, क्योंकि ऐसे तो मौका मिलता नहीं है। भैया एक स्टारबक्स की कॉफ़ी देखो, जो हम 20 रुपये कमाते हैं उसमें से 15 रुपये स्टारबक्स लेके चले जाते हैं। चलो भैया फ्लाइट ऑन टाइम है, हम लोग टाइम से पहुंच गए, ठीक है। इससे आपको सीख लेनी चाहिए कि घर से जल्दी निकलना चाहिए, ठीक है। अब मेरी तरफ बिल्कुल ना बने, ठीक है। अब चलो अब आगे देखते हैं, आप सीधा जब बोर्ड करेंगे तब दिखाएंगे आपको, और लैंड करेंगे तो अमृतसर का वेदर दिखाएंगे और आज ही गोल्डन टेम्पल विजिट करेंगे उस वक्त। तो बच्चों देखो हम फ्लाइट में पहुंच गए और फ्लाइट में हमारे साथ कौन है, बहुत झूठ बोली है मेरे को भी नहीं था, यही कैबिन अटेंडेंट थी फ्लाइट का, मेरे को पता था ये राज, ठीक है। तो भैया अब यहाँ से हम लोग टेक ऑफ कर रहे हैं, वी लैंड इन अमृतसर, तो मैं आपको वापस से ब्लॉक करता हूँ, फिर दिखाता हूँ वहाँ का वेदर। तो भैया पंजाब पहुंच गए हैं हम लोग, ठीक है भैया। मतलब यहाँ घुसते समय पूरी वो फीलिंग है पंजाब, पंजाब यहाँ की हवा में ही कुछ अलग है, डिफरेंट। नेवर बीन टू अमृतसर बिफोर, फर्स्ट टाइम मेरा है। अब देखते हैं सिटी में अंदर हमारे लिए क्या क्या है और चलो दिखाते हैं आपको। तो भैया हम लोग आ गए होटल में, चलो आप लोग अब हम हयात में रुके हुए हैं, ये वाला पैसा मैंने खुद दिया है, मेरे 20 रुपये से ये पूरा आपको रूम दिखाता हूँ। या 5-स्टार का रूम, ऐसे लग तो नहीं रहा ज़्यादा कुछ 5-स्टार है, लेकिन ठीक है वॉशरूम वॉशरूम तो बढ़िया है। अब मेन चीज़ ये है कि यहाँ से हम लोग रेडी होके निकलेंगे और कहाँ जाएंगे, पहले जाएंगे लंच के लिए। अभी एक दो बच्चों ने, सिद्धार्थ बोल के एक दो बच्चे हैं, उन्होंने कुछ सजेस्ट किया है, यहाँ चले जाओ यहाँ पर अच्छा मिलता है, पनीर पकौड़ा, ये पकौड़ा वो पकौड़ा। बट उसके पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे जिम, ठीक है, आधा घंटा 20 मिनट वर्कआउट करेंगे बढ़िया से, तो यहाँ के जिम को टेस्ट करेंगे और उसके बाद आपको लेके चलेंगे पंजाब के सफर पर। अमृतसर का गोल्डन टेम्पल के दर्शन हम यहीं से करवाएंगे, एकदम पक्का प्रॉमिस। तो बच्चों हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं, भैया बहुत तेज भूख लग रही है, तो कुछ बच्चों ने ये मतलब कुलचा लैंड बोला था कि सर यहाँ चले जाना, यहाँ बहुत बढ़िया है, तो चलो आप तुम लोग वो दिखा देते हैं। बट इसको हम लोग आज अनअकैडमी टी शर्ट के बिना कवर कर रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा वो भी होगा। हमारे साथ मिस मोटू भी हैं, ठीक है, मिस मोटू विद लाल बाल, और कुछ अलग भी लाइट पैकिंग के बारे में कुछ बातें हम आपको बताएंगे बाद में वीडियो में। अब चलते हैं वहाँ कुलचा लैंड में, आपको दिखाते हैं। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। पूरी जिंदगी निकल गई होटल में खाना खा कर, आज पहली बार एक ऐसी जगह बैठ के खा रहा हूं तो कुलचा भाई मतलब एपिक है। समझ में आता है कि कुलचा लैंड का कुलचा क्यों इतना फेमस है, दो पनीर कुलचा ये बढ़िया बढ़िया। ये खाने के बाद थोड़ा रेस्ट देके फिर चलेंगे गोल्डन टेम्पल, अभी हम कुलचा एंजॉय कर सकते। तो बच्चों अब हम लोग निकल रहे हैं गोल्डन टेम्पल के लिए, ठीक है, फाइनली वी आर लीविंग। भैया रेडी वेडी होके बढ़िया अब गोल्डन टेम्पल के लिए निकल रहे हैं। देखो मैम एकदम वाइट वाइट कॉम्बो हमारे साथ कर ली है, मैम एक बार पीछे पलटेंगी, मैम चल रहे हैं फाइनली गोल्डन टेम्पल की तरफ।
और आपको दिखाएंगे। और कुछ एक बच्चा वहाँ पर भैया 100 किलोमीटर दूर से आया हमसे मिलने के लिए, वो सुबह से इंतजार कर रहा है, तो उससे भी मिलेंगे, उनको भी व्लॉग में लेंगे। चलिए आपको दिखाते हैं। भाई साहब भीड़ तो बहुत ज़्यादा है, आइए आप लोगों को दिखाते हैं। भैया ये जलियांवाला बाग है, यहीं पर वो जो मूवीज़ में दिखाते हैं ना, बहुत सारे लोगों को एक साथ मार दिया था, तो यही है भाई। बहुत ही बिजी स्ट्रीट है, बहुत ज़्यादा बिजी स्ट्रीट है। देखो सामने गोल्डन टेम्पल दिख रहा होगा आपको, अभी अंदर चलेंगे। अभी कुछ बच्चे आए हुए हैं, 2-3 बच्चे हैं यहाँ के, उनसे भी थोड़ा मिलेंगे। अरे यहाँ पर भी गुप्ता पंजाबी जूती है, हम लोग हर जगह है कि नहीं मोडू, हम लोग हर जगह है, गुप्ता पंजाबी जूती हर जगह। ये क्या है? ये हमारे पहले आ गए स्टूडेंट, नाम है इसका पारस। पारस भैया कितना, 100 किलोमीटर दूर से आया हमसे मिलने के लिए, बस बच्चों का यही प्यार है। और पारस फाउंडेशन अभी June 24 ना, तो भैया हम लोग बेसिकली पारस के लिए ही प्रे करने के लिए यहाँ तक आए हैं, और इस बार पक्का पारस पास होगा। और थैंक यू सो मच यार आने के लिए। और अभी एक और बच्चा आ रहा है, वो कहीं पर लटका हुआ है बीच में, वो भी पहुंच रहा है। A few moments later. आज आप कहाँ से आए हमसे मिलने के लिए? नहीं, बहुत दूर से। तुम्हारा सेप्टेम्बर का अटेम्प्ट है ना? जी जी। तो पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही? बढ़िया, सही चल रही है। तो ये पढ़ाई लिखाई छोड़ के यहाँ क्या आया तुम? अरे अब मिलना भी जरूरी था ना, मोटिवेशन भी चाहिए थोड़ी। अरे थैंक यू सो मच यार, तुम लोग आए यार, बढ़िया लगा हम लोग। अब बच्चों ये एक आपने इनके पहले देखा, आजा भाई तू भी आजा क्या, ये भैया हमारा, ये एक आया ये एक आया, दोनों बच्चे भैया अमृतसर से, हम लोग से दोनों ऑनलाइन पढ़ते हैं। बट वही मैं बोलता हूँ हमेशा, जब भी आपको मौका मिले ना अपने टीचर से मिलने का, एक बार मिलना जरूर, क्योंकि क्या होता है जो बॉन्ड ऐसे क्रिएट होता है ना, वो ऑनलाइन में तो रहता ही है, मैं तो हमेशा बोलता हूँ ऑनलाइन में भी बहुत हंसी मजाक करते हैं हम लोग, लेकिन ये जो कनेक्ट है ना, ये थोड़ा सा आप पार जाता है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं किसी दूसरी सिटी जाता हूँ, मैंने तो पहले भी कितनी बार अपने इंटरव्यू में भी बोला है, मेरा तो गेम ही पूरा का पूरा ये है कि इंडिया का बच्चा बच्चा मेरे को जाने, तो जब ऐसे बच्चे लोग मिलते हैं आगे तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच भाई आने के लिए, थैंक यू सो मच। चलो अरे ठीक है, पैर वैर मच्छू। तो बच्चों अब हम आपको दिखाते हैं गोल्डन टेम्पल, इट्स ब्यूटीफुल 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 सामने इसके लेक है। वो सामने क्या है, किस तरफ? वो भी गुरुद्वारा है। सीन्स देखो भाई, इंडियन है, सूर्य कुमार यादव भी आया। नहीं भाई सूर्य कुमार यादव नहीं, मैम भी कोशिश कर रही है अच्छा शॉट लेने की। बाबा जी सारे बच्चे जिन्होंने जून का एग्ज़ाम दिया है, सब ने जी बहुत मेहनत की है, सबको बाबा जी पास करा दो, बस मेरी आपसे इतनी ही है। अपने लिए मैं कुछ नहीं मांग रहा, आपसे बस इतना ही मांग रहा हूँ, सारे बच्चों को पास करा दो। इस पर कुछ बच्चों अब हमारा ना आज अमृतसर का ट्रिप ऑफिशियली ख़त्म होने आ रहा है। ये मेरी इंटर की क्लास चल रही है May 25 की, हाँ सारी क्लासेस भी हुई हैं, तो इंटर की बस ये क्लास लेके अब होटल चेकआउट करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और क्लास लेंगे फाउंडेशन की, अब वो डिपेंड करता है एयरपोर्ट पे लेंगे कि कार में लेंगे, लेकिन लेंगे ज़रूर। और उसके बाद फिर अब घर वापस चलेंगे बैंगलोर। तो ये आपका पूरा का पूरा मैंने आपको दिखा दिया अमृतसर का गोल्डन टेम्पल का आपका ट्रिप, आई होप आपको मज़ा आया। तो भैया अब हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल गए, लास्ट अपना एक अब ये एकदम क्लोजिंग सेंटेंसेस है, ठीक है। बहुत अच्छी ट्रिप रही, पूरा गोल्डन टेम्पल बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, अमृतसर भी बहुत अच्छा है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, सब बढ़िया, और खाना तो बहुत ही अच्छा है। और आप लोगों के लिए प्रे करने आए थे, हो गया। अब सीधा जब बैंगलोर लैंड होंगे यहाँ से, 4 बजे है अभी, एक क्लास है आप लोगों की, क्लास है फाउंडेशन वालों की 2 बजे, उसको करके एंड प्लेन 4 बजे अपना टेक ऑफ है, एंड ये लैंड बाय 7:30, और उसके बाद रात में यूट्यूब पर सेशन होगा। आई होप आपको पूरा व्लॉग पसंद आया, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और चैनल पे कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलो बाय बाय, सी यू।